ये देखिए दोस्तों, पूरा कच्चू का बगान। ये हमारा हजोंग भाई का है। 12 लाख 13 लाख, उससे ज्यादा कमाने वाला भी है सीजन में। देखिए कितना सुंदर लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा ब्लॉग्स का प्यार बड़ा नमस्कार। दोस्तों, कल तो हम लोग ज्योतिपुर पार्ट टू में घूम चुका है, आज चलो पार्ट वन घुमा जाएगा। वैसे ज्योतिपुर विलेज तो बहुत बड़ा विलेज है, कल पार्ट टू भी हम लोग पूरा तो नहीं घूरा है, बस यहाँ से गया दिहिंगात। आज पार्ट वन चलो घूमने चलते हैं। पार्ट वन में भी पूरा तो घूम नहीं पाएगा, बहुत बड़ा विलेज है ना ज्योतिपुर भी। बाइक से होते हुए जितना आप लोगों को दिखा सकेगा दिखाएगा, तो बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं ज्योतिपुर वन। ये आ चुका है हम ज्योतिपुर वन का गोट में। ये सब देख रहे हैं ना दोस्तों, ज्योतिपुर वन। आपको सबका घर में तमुल पुली देखेगा ये देखेगा। देखिए जैसे भी हो तमुल पुली तो लगाएगा ही लगाएगा, सीजन में खूब सारा पैसा देता है ना। 12 लाख 13 लाख, उससे ज्यादा कमाने वाला भी है सीजन में तमुल से। अभी दुमा दुम सबका घर में तमुल है। देखने के लिए भी बहुत ही सुंदर लगता है ना तमुल पुली। देखिए चलिए यहाँ से घुसता है अंदर भी तरफ देखा जाएगा। देखिए तमुल पुली का वजह से कितना सुंदर लगता है, एकदम हरियाली हरियाली। गांव का रास्ता है ना, पक्का रास्ता तो नहीं है, फिर भी बहुत बढ़िया है, कीचड़ नहीं जमता है इधर। हर जगह देखिए एकदम तमुल पुली, ये नया नया है। ऐसा लंबा हो जाने के बाद आपको बेरा लगाने का भी दरकार नहीं है, जब चौथा होता है उसी समय थोड़ा जानवर से बचाना है। तो बड़ा हो जाने के बाद तो अभी इसको खाने नहीं सीखेगा, ये बस फल देगा कुछ साल के बाद। देखिए कितना सुंदर लगता है, तो लाइन से लगाया गया है तमुल फूल, तमुल का पेड़। अब यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से जान से आपको दिहिंग मिलेगा।
ये अलग एने पुड़िया से हम लोग निकलेगा यहाँ से, यहाँ से भी रोड है, रास्ता है, पूरे इसमें पाइप लगाया जाएगा, इसलिए देखिए। पानी पाइप लगाया जाएगा इसलिए रास्ता एकदम अभी तक छोटा हो गया, लेकिन बाद में पिला होने के बाद हो जाएगा। हमारा यहाँ का चकमा बस्ती में आपको पूरा गली का रास्ता दुनिया भर का मिलेगा। कौन ऐसे याते? हाँ देखिए कितना सुंदर लगता है अमूल पेड़। आसाम से भी ज्यादा तो लगाया जाता है लगता है हमारा यहाँ पे दायुन पे। एक समय था तमुल पुली बोलने से आसाम का याद आता था, लेकिन अभी तमुल पुली बोलने से दायुन। आपको काली जगह देखने को मिलेगा ही नहीं, सब जगह वो तमुल ही तमुल। ये एकदम ठंडा दिन में निकलेगा, बहुत बढ़िया से सब्जी उगाया जाता है इधर, बहुत मेहनती है ना, बहुत मेहनत करता है, मेहनत करता है बल्कि पैसा भी कमाता है। मेहनत करने वाला तो पैसा कमाएगा ही, लेजी जो बैठेगा वही ना कुछ नहीं मिल पाएगा, जो मेहनत करेगा वो तो पैसा कमाएगा। ये देखिए दोस्तों कोच्चू का खेती, ओ दूर तक जो नजर आ रहा है ना सब कोच्चू ही कोच्चू है। ये हमारा हजोंग भाई का है, हमारा अरुणाचल में बसा हजोंग जनजातीय लोग सुअर नहीं पालता है ना, अगर सुअर पालेगा तो उसका दाना का कमी ही नहीं होगा, सुअर नहीं रखता है वो लोग का कुछ नियम है होगा, इसलिए कोई भी हजोंग जनजाति सुअर नहीं पालता है अरुणाचल के अंदर। ये जितना सारा पत्ता है ये आस पास का हमारा चकमा भाई बंधु लोग लेके जाएगा पत्ता को, लेकिन उसका जो नीचे में जो रूट से निकलता है ना फल वही बेचा जाएगा बाजार पे, अच्छा रकम मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप सबको ज्योतिपुर वन का ये ब्लॉग्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को देखा है तो लाइक भी दबा दीजिए और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए। मेरा बहुत सा फ्रेंड्स है जो देखता है लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं कर देता, लाइक भी नहीं दबा देता है, कम से कम लाइक तो दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देख लिया तो एक लाइक भी दबा देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, सब्सक्राइब नहीं करने से भी कम से कम लाइक तो दबा दो। तो होगा प्यारे दोस्तों आप लोग से दोबारा मुलाकात करूंगा एक नए ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।